सोमवार को मीडिया कर्मियों को कवरेज के दौरान मखदूमी अस्पताल खुला मिला। बस अंतर सिर्फ इतना था कि बराबर की साइट में मरीज भर्ती थे और वहीं स्टाफ मौजूद था जो आज से लगभग डेढ़ माह पहले सील की कार्यवाही के दौरान था। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान मखदूमी हॉस्पिटल के स्टाफ ने पहले अस्पताल को मखदूमी हॉस्पिटल ही बताया, लेकिन जैसे ही उसे मीडिया के होने की जानकारी हुई तो वह हड़बड़ा गया और बोला, ये नया हॉस्पिटल वीनस खुल रहा है और अभी इसका पंजीकरण कराया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि अगर ये वीनस अस्पताल है और अभी इसका पंजीकरण नहीं हुआ है तो फिर यहाँ मरीज कैसे भर्ती हैं? यही स्थिति चंद कदमों की दूरी पर स्थित निशा नर्सिंग होम की है जो स्वास्थ्य विभाग के कागजों में बंद है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि हमारी तरफ से कोई भी अस्पताल नहीं खोला गया है, अगर वे मौके पर खुला है तो यह पुलिस बताएगी। जबकि पागुड़ा थाने के SSI उमा शंकर ने बताया कि मरीज की मौत के मामले में मरीज के परिजनों और अस्पताल के बीच समझौते की जानकारी मिली है, लेकिन अभी हमारे स्तर से विवेचना जारी है। पागुड़ा में अस्पतालों के संबंध में आपने जानकारी चाहिए, इसमें जानकारी कर आपको अवगत कराया जाए। क्या जानकारी मिली आपको इस बारे में? जो वो सील कर दिया गया है तो वहाँ पर भी काम चल रहा है? देखिए, हमारे हिसाब से वो सील है और हमारे किसी आदेश से नहीं खोला गया है। स्थानीय पुलिस से संपर्क कर आगे की कार्रवाई की जाए।